बट मैं उनका कैरी करना। तो फिलहाल हम 3 लाख की शॉपिंग कर लेते हैं। एक्सीडेंट हो गया बट आई एम वेजिटेरियन। ये मुंबई का सबसे बड़ा मॉल है, स्विमिंग पूल बन रहा है, पर पानी घर से बाल्टी में लेके आने का। मतलब 15 दिन में जॉब मिलना, लोग तो महीनों जॉब ढूंढते हैं। Hi everyone, welcome back to my channel. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे नहीं, मेरे इधर नहीं, आपके फोन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। और आज का व्लॉग कुछ ऐसा है, अगर आपको याद होगा हमने 8-9 महीने पहले दिल्ली में 1 लाख रुपए की शॉपिंग करी थी। ये कपड़े भी वहीं से ही है, बट इसकी पैंट दूसरी थी। इसकी पैंट की चेन खराब हो गई, नीचे नहीं जा रही, इसलिए मुझे दूसरी पैंट पहननी पड़ रही है। तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। इस बार हम 1 लाख की नहीं, 2 लाख की नहीं, 3 लाख की शॉपिंग कर लेते हैं, है ना सर? 3 लाख की कर लेते हैं पूरे साल भर के, ताकि हमें कपड़े की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और हम शॉपिंग करने जाएंगे, अभी हम मुंबई में हैं, तो मुंबई के सबसे बड़े मॉल पलेडियम मॉल में हम जाएंगे शॉपिंग करने। और मेरी कजन का फोन आया, इसको भी ले चलते हैं शॉपिंग के लिए। हाँ बोल। हाँ है, तेरी आवाज इतनी लो क्यों साउंड कर रही है? मशीन भिजवा दूंगी और तू परेशान मत हो, कुछ ना कुछ सोचती हूँ। ऐसा नहीं, हम फैमिली वाले, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, बट हर किसी को चाहिए ना कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, कि खुद से कुछ करे। तो जॉब से कुछ याद आया, रुको पहले दवाई खा लो फिर बताती हूँ। जॉब से मुझे ये याद आया, प्रतिष्ठा जो मेरी दोस्त है, हम लोग का एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो वो हम सबको बता रही थी, चैट करते रहते हम लोग नॉर्मली, तो बता रही थी कि 1 हफ्ते पहले इसकी इंडिया की एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी है। प्रतिष्ठा की 3 साल पहले शादी हुई थी। हाँ मेरी नहीं हुई है, भले वो मेरी एज की है, ठीक है। तो उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी, तो शादी के बाद पूरा शिफ्टिंग करना, सेटल होना, उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। फिर जब वो शादी के बाद सेटल हुई तो 3 साल तक कोविड आ गया। फिर शादी के बाद सेटल होने के बाद उसको जॉब नहीं मिली कोविड की वजह से। अब 3 साल कोविड के बाद जॉब मिलना इतना मुश्किल हो गया था उसके लिए, लेकिन फाइनली उसको इतनी अच्छी जॉब मिली है। तो मैं सोचू पलेडियम मॉल टाउन में यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर, प्रतिष्ठा भी वही साइड रहती है, तो अगर वो मिल पाएगी तो अच्छा रहेगा, ताकि यू नो मेरी कजिन बहुत परेशान है जॉब को लेके, मैं उसकी भी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं प्रतिष्ठा को पूछ लेती हूँ, होपफुली वो आ जाए, मना तो नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक उसका ज्वाइनिंग है नहीं। उसका ज्वाइनिंग आई थिंक मंडे से है, बता तो रही थी, देखती हूँ कॉल करती हूँ। हाय प्रतिष्ठा, कैसी है? अच्छी हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तेरी नई जॉब के लिए। और मैं ये बोल रही थी, मैं ना टाउन आ रही हूँ, पलेडियम मॉल ही आ रही हूँ, तू वहीं रहती है, तो अगर तू फ्री है तो मतलब मैं 4 बजे के आसपास वहाँ पहुँचूंगी, मैं शॉपिंग करने आ रही हूँ, तो अगर थोड़ा सा मिले थी, थोड़ा सा मुझे ना काम था तुझसे। चलेगा, मैं तो 4 बजे पहुंच जाऊंगी, तब तक अपना थोड़ा शॉपिंग कर लूंगी, 5 बजे तक भी आएगी तो भी चलेगा, आराम से आना, 5:30 भी चलेगा। मेरा कार्ड गुम गया है, मिसप्लेस हो गया है, सिमरन का कार्ड मम्मी के पास है गांव में, तो हम शॉपिंग चेक से तो नहीं कर सकते, तो मैं बैंक जाऊंगी, अपना सेल्फ चेक लेके पैसे विड्रॉ करूंगी, फिर ही हम शॉपिंग जा सकते हैं, तो पहले हम लोग बैंक चलते हैं। चलो, गाड़ी का टायर पंचर है, बट आरुष के भाई के गैरेज में गाड़ी का टायर तब तक ठीक हो रहा है, तब तक हम बैंक रिक्शा से जाके आते हैं। जल्दी चलो, जाती हूँ, वेट करो, यही रिक्शा से रिटर्न भी चले जाएंगे, ये पकड़। तो फाइनली मैंने बैंक से पैसे ले लिए हैं और उन्होंने मुझे फ्री में थैली भी दी। हम डीमार्ट जाते हैं, तो वहाँ थैली के 6 रुपए लेते हैं। जल्दी चलो, धूप है। कैश कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जल्दी जल्दी से जाओ, और मुझे बहुत डर लगता है इतना कैश कैरी करना। तो फिलहाल हम घर तक ले जाते हैं और उसके बाद तो फिर हम सेफ है, तो अभी थोड़ा संभाल के हम लोग कपड़े लेने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आरुष को भी कुछ दिला देती, तो मैं आरुष को दिलाती हूँ लुंगी, और लुंगी पहन के फिर वो कच्चा बादाम पे डांस करेगा, और अच्छा कच्चा बादाम पे डांस करेगा, तो फिर मैं उसको एक और लुंगी दिलाऊंगी, ठीक है भाई? ओ माय गॉड, एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? इतना आगे आके देखा ट्रैफिक था, बिकॉज एक ट्रक डिवाइडर में एकदम ही घुस गई थी, अभी मैंने आपको दिखाया। ओके, तो पलेडियम मॉल आ चुके हैं, ये मुंबई का सबसे बड़ा मॉल है, और अब हम जाते हैं अंदर। प्रतिष्ठा को आई थिंक 5-10 मिनट लगेगा आने में, तब तक हम कुछ तो खरीद लेते हैं। आ जाओ, पहले खाएंगे प्लीज, बट आई एम वेजिटेरियन।
बाहर इतनी गर्मी और अंदर इतनी ठंडी, में सोचो एक जैकेट ले लूं। स्विमिंग पूल बन रहा है पर पानी घर से बाल्टी में लेके आने का। ये काम करते ज़ारा चल रहा है जी, ज़ारा 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 ज़ारा। मुस्कान दी क्या ले रही है, ले रही ले रही ले रही है, क्या ले रहे हो मुस्कान दी? मैं सोच रही हूँ क्या लूँ। हेलो, हाँ हाँ बोलो। प्रतिष्ठा आ गई है, शॉपिंग बाद में कर लेंगे। और वो जो ब्लू टॉप में है वही है प्रतिष्ठा। कैसे हो? I'm good. तो गाइस प्रतिष्ठा का ये पहले टाइम है कैमरा में, तो प्लीज उसका थोड़ा सा सपोर्ट करना, वो बहुत ही कॉन्शियस है। सबको हाय बोलो। हाय। और प्रतिष्ठा अपनी लाइफ के बारे में बताओ। तो पहले तुमने अपने ऑडियंस को मेरे बारे में जैसे बता चुकी हो, तो पहले मैं जॉब सर्च करती थी, बट अभी मैं हेल्प करती हूँ कि लोगों को उनकी जॉब मिल सके। यस, मैंने ऑलरेडी आपको प्रतिष्ठा के बारे में बताया कि उसको जॉब कैसे मिली, और कोविड पैंडेमिक के बाद इतने लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि जॉब नहीं मिल रही है। लोग पैसे लेते हैं, बोलते हैं हम आपको जॉब दिलाएंगे, बट नहीं मिल पाती है। तो जिस बारे में प्रतिष्ठा आपको बताने वाली है उसमें इट इज़ बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पैसे नहीं भरने। तो मैं चाहती हूँ प्रतिष्ठा आप उनको डिटेल्स में बताओ किस बारे में बात करनी है। बिल्कुल, वाई नॉट। तो आपको जैसे पता होगा कि अगर आपको रोटी भी मिल जाए लेकिन आपको उसको तोड़ के खानी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करना ही पड़ता है। तो जैसे मेरी जॉब जर्नी रही है कि बिफोर मैरिज में जॉब करती थी, बट आफ्टर मैरिज मेरा 3 ईयर का गैप हुआ, और ड्यू टू पैंडमिक एंड गैप इतना डिफ़िकल्ट होता है जॉब सर्च करना, उसे हट करना। तो उस टाइम पे मैं बहुत परेशान रहती थी कि क्यों नहीं मुझे प्रॉपर जॉब मिल रही है प्रॉपर सैलरी के साथ। तो इस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की कि कितना डिफ़िकल्ट है ये मार्केट, कि आप कैसे जॉब सर्च करते हो। तो उसी टाइम पे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया रिलेवल के बारे में कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद मैंने रिलेवल के प्रोसेस को समझा, उस पर एक एग्ज़ाम देना होता है, फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया और मेरी जॉब लग गई। वाओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रीलेवल क्या है और इसमें जॉब कैसे मिलेगी। तो जैसे कि मेरी एक कज़न है, सुबह ही मुझे उसका कॉल आया था, वो भी बहुत परेशान है जॉब को लेके। मैंने सोचा पहले मैं तुमसे मिल लूँ, और हमारी ऑडियंस भी है जो लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो मैं चाहूँगी तुम उसके बारे में बताओ ताकि उनको पता चले रीलेवल क्या है, ये कैसे काम करता है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो अंदर बहुत शोर हो रहा था इसलिए हम यहाँ आए हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो रिलेवल एक हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको एक सिंपल सा टेस्ट देना है, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पे आप अपने स्किल के बेसिस पे आप अपना डोमेन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी रिज्यूमे और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। वाओ यार, यानी कि कोई रिज्यूमे और एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं, इतना आसान है जॉब मिलना। मैं अपनी कजन को जाके बताऊंगी, वो तो इंटरव्यूज दे देकर पागल हो चुकी है सच में। बिल्कुल, जरूर बताना। और जो ऑडियंस में जो लोग ऐसा चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। भूख बहुत लगी है, चलो खाने चलो। तब तक हम कुछ खाने जाते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन होगी दे देंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। चलो कुछ और, तुम क्या खाओगी? वेज नॉन वेज? वेज। नॉन वेज? तो मेरे कॉलेज में क्या था कि हमें रूम में कुछ भी खाना अलाउड नहीं होता था, कुछ बनाने के लिए नहीं रखने देते थे, बट हम लोग चोरी से केटल रखते थे और मैगी और बहुत सारी स्नैक्स बना के खाते थे चोरी चोरी लेट नाइट। जब सिमरन 10th स्टैंडर्ड में थी और मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तो सुबह ना मतलब सुबह सुबह 7 बजे का स्कूल होता था और मुझे ना नींद आती थी। तो सिमरन का उस दिन है ना बंक करके दोस्तों के साथ नहीं मूवी जाने का प्लान था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार मुझे बहुत नींद आ रही है और 7 बजे का स्कूल था, मैं 6:55 को स्कूल के बाहर पहुंची। सिमरन ने बोला मैं मूवी जा रही, बोला मैं स्कूल, लगा मैं स्कूल चल जाऊंगी। मैं गेट के बाहर स्कूल के थोड़ा दूर, जैसे ही 7:02 हुए ना, मैं वॉचमैन ने बोला सॉरी टाइम खत्म, आप स्कूल में नहीं ले सकते। तो मैंने क्या बोला, घर जाके सो जाती, वैसे भी मुझे नहीं आता। बोला लेकिन मम्मी को सिमरन का क्या बोलूंगी, मैंने देखा जाएगा। मैं गई घर पे, बोला मम्मी मुझे स्कूल में तो नहीं लिया। मम्मी ने बोला सिमरन, बोला मम्मी प्लीज़ उसको बोलना मत, मैंने आपको बताया, आप बोल देना सुमित करके मेरा कज़न था, बोल देना कि उसने तुझे देखा रसास मॉल में, तू मूवी देख रही थी, प्लीज़ मम्मी मेरा नाम मत लेना। मैं मास घोड़े बेच के सो गई। बट यस, मैंने एक बार ही, उसके बाद हम लोग मिलजुल के रहते, हम कभी ऐसा नहीं करती, बस ये बहुत सारे इंसिडेंट है। चलो ये सारी बातें तो हो गई, मुझे बस इतना जानना है, जैसे मैंने तुम्हें अपनी कज़न के बारे में बताया, मुझे इतना जानना है री लेवल में कौन सी कंपनीज में जॉब मिलता है, और तुमने आज तक कितनी कंपनीज में इंटरव्यू दिया है? मत पूछो यार, कितने इंटरव्यूज दिए हैं ना मैंने रिलेवल के पहले, बट जब मैंने रिलेवल का टेस्ट क्लियर किया विद इन 15 डेज मुझे जॉब मिल गई।
15 दिन के अंदर जॉब मिल गई? 15 दिन के अंदर। कौन सी कंपनीज में जॉब मिलती है? सॉरी मैंने तुम्हें काट दिया, बट कौन सी कंपनी, मुझे जानना है। मतलब 15 दिन में जॉब मिलना, लोग तो महीनों जॉब ढूंढते हैं। ऑब्वियसली बहुत तो लेवल में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो आप डेली अपने नाम सुनते हो, ओला, क्रेड, स्विगी, फोन पे, सो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है और रिलेवल बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। सुपर यार, जॉब मिलना इतना आसान हो गया इंडिया में। आई मीन अपने स्किल्स दिखाओ, घर पे बैठे बैठे अपने स्किल्स दिखाओ, टेस्ट पास करो और जॉब पाओ। आई एम सुपर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मतलब सबर का फल मीठा होता है, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, खाने के बाद बताऊंगी। ओके, पहले खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। तो गाइज हम खाना खा के आ चुके हैं बाहर और यहाँ पे सब लोग चल रहे हैं, यहाँ पे चलना अलाउड नहीं। तो सरप्राइज ये है कि आज अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए कभी और कर दूंगी। प्रतिष्ठा का कल पहला दिन है जॉब का, तो पहले दिन ऑफिस में स्टैंड आउट करना है, सबसे अच्छा दिखना है। तो प्रतिष्ठा को मैं मेकओवर दूंगी, मैं प्रतिष्ठा के लिए, मेरी तरफ से सरप्राइज है, गिफ्ट है कि मैं प्रतिष्ठा का पूरा आउटफिट सेट करूंगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये तो सबको पता ही है। तो यस, ये छोटा सा सरप्राइज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे चलो चलो, तो हमने प्रतिष्ठा के लिए शॉपिंग कर ली है और अब हम बिलिंग करने हैं। बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो प्रतिष्ठा तो प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि तुम इसका एक पहनोगी जब फर्स्ट डे पे ऑफिस में, प्लीज़ मुझे पिक्चर देखना। मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसी लग रही है और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्रतिष्ठा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफिस में है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जिससे तुमने मुझे और मेरी ऑडियंस को रीलेवल के बारे में बताया, इससे काफ़ी लोगों की जॉब ढूंढने की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं प्रतिष्ठा से रीलेवल का लिंक लेके डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, तो आप खुद चेक कर लेना। और जैसे प्रतिष्ठा ने हमारी हेल्प की है जॉब ढूंढने में, आप भी आगे आपके सर्कल में लोगों की हेल्प करना ताकि उनको जॉब मिल जाए रीलेवल के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। और मैं हमेशा आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी। मैं चाहती तो पहले ही आपको बता देती, बट मैं जेन्युइनली कोई अचीवर से मिलना चाहती थी कि डी लेवल के थ्रू किन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ताकि आप लोगों को भी फायदा रहे। क्योंकि मैं DM सबको चेक करती हूँ, कोई जॉब है मुझे अपने पास ही जॉब के लिए रख लो, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूँगी आप सभी ट्राई करो और बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। एंड आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। प्रतिष्ठा चली गई बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देके, और ये सिमरन, हम लोग 3 लाख की शॉपिंग करने आए थे, वो अलग बात है, आज नहीं कर पाए, कभी और कर लेंगे। अपना बैग वॉशरूम में भूल गई थी, पैसे खो जाते तो क्या करते, निक्की नाम है इसका, तो मैं ये पैसे आरुष के बैग में रखवा देती हूँ। हम शॉपिंग नेक्स्ट टाइम, आरुष प्लीज बैग का थोड़ा ध्यान रखना। मैं लेके भी तो आई ना वापस, बट मैं इनकम टैक्स कौन भरेगा? हर साल भरती हूँ, लीगल है, बैंक से निकाल के लेके आई हूँ, सब लीगल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोपहर में लेके गई थी मुझे। ओके गाइस, हम चलते हैं और पार्टी करते हैं, 3 लाख की शॉपिंग नेक्स्ट टाइम, चलो।